आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, समझो सब मुश्किलें खत्म, इन मुश्किलों से जान छूट जाएगी हमारी। उसकी शादी हो जाए, हमारी भी जान छूटे इस लड़की से। शबरेज ने हमें तमाशा बना कर रख दिया। I know. Then, शबरेज है कहाँ? पापा वो सो रहा है, काफी दिनों से सोया नहीं था, तो कल रात मैंने सरदर्द की मेडिसिन का बोल के नींद की दवा दे दी थी। गुड। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे मैंने बहुत सोच समझ कर जैन से कहा था कि शबरेज को नींद की मेडिसिन दे। अच्छा किया था। वैसे भी हम सबके लिए बेहतर है कि शबरेज जब तक मेहर की शादी हो ना जाए ना जागे। बाबा मैं ही बात करना चाह रहा था आपसे। मुझे ऐसा लगता है हम शबरेज के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन जब वो उठेगा और उसे पता चलेगा कि मेहर की शादी हो गई है किसी और से, उस पर क्या गुजरेगी, और वो हम सबको कभी माफ नहीं करेगा। जैन कल की कल देखी जाएगी, अभी जो हो रहा है होने दो। ऑनेस्टली बाबा मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। और मैं आप लोगों का साथ सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अपने भाई को इस अजियत से गुजरता हुआ नहीं देख सकता। और क्या ही अच्छा होता अगर आप लोग मान जाते उसकी शादी मेहर से करवाने। तुम फिर से शुरू हो गए। अच्छी तरह से जानते हो ना इस बात को कि मैं इस घर में दूसरी अनवांटेड बहू नहीं लाना चाहती। फिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती, क्यों बार बार बहस करने लगते हो तुम? बिल्कुल सही कह रही है, अब हमारे दरमियान ये बात नहीं होगी। उस लड़की की शादी हो जाएगी, शबरेज भी कुछ दिन बाद रिकवर कर जाएगा। लाइफ विल गो ऑन।